मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे इज आवर कंप्यूटर पीरियड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 लोगो इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे आज हम रीड करेंगे पेज टर्न करो पेज नंबर 71 से रीड करेंगे ओके यहां देखिए लोगो कमांड्स लोगो कमांड्स आर यूज्ड टू मूव एंड टर्न द टर्टल ऑन द स्क्रीन सो दैट द फिगर्स मे बी ड्रा हियर आर सम इंपॉर्टेंट कमांड्स यूज्ड टू ड्रा द फिगर्स लोगो कमांड्स का यूज़ टर्टल को स्क्रीन पर मूव और टर्न करने के लिए करते हैं ताकि फिगर ड्रॉ हो सके इधर कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स दिए गए हैं जिन्हें फिगर ड्रा करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ देखिए लोगो कमांड्स फंक्शंस ओके होम होम रिटर्न्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन कॉल्ड होम होम कमांड से टर्टल वापस स्क्रीन के सेंटर पर आ जाता है स्क्रीन के सेंटर को हम होम कहते हैं ओके एफ डी एफ डी और फॉरवर्ड मूव द टर्टल फॉरवर्ड एज मैनी स्टेप्स एज यू वेंट एफ डी या फॉरवर्ड कमांड से आप टर्टल को जितनी स्टेप्स चाहें उतनी स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ देखिए बीके बीके और बैकवर्ड मूव द टर्टल बैकवर्ड एज मैनी स्टेप्स एज, एज यू बॉन्ट ओके बीके या बैकवर्ड कमांड से आप टर्टल पीछे मूव कर सकते हैं आर टी आर टी और राइट टर्न मूव द टर्टल एट द सेट एंगल इन द राइट डायरेक्शन आर टी या राइट टर्न कमांड से आप टर्टल को कहे गए एंगल को राइट right डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एल टी एल टी और लेफ्ट टर्न मूव्स द टर्टल एट द सेट एंगल इन द लेफ्ट डायरेक्शन एल टी या लेफ्ट टर्न कमांड से आप टर्टल को लेफ्ट डायरेक्शन में कहे गए एंगल में मूव कर सकते हैं एच टी एच टी हाइड्स द टर्टल एच टी कमांड से टर्टल हाइड हो जाता है एस टी एस टी कमांड डिस्प्ले द टर्टल अगेन ऑन द स्क्रीन एस टी कमांड से टर्टल वापस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है पी यू पी यू और पेन अप लिप द इनविजिबल पेन एंड द ड्राइंग फैसिलिटी पी यू या पेन अप कमांड से इनविजिबल पेन एंड पैन और ड्राइंग फैसिलिटी लेफ्ट हो जाती है पी डी और पेन डाउन एनेबल्स द ड्राइंग फैसिलिटी अगेन पी डी या पेन ड्रॉ से ड्राइंग फैसिलिटी फिर से इनेबल कर देता है पी ई पी ई रिमूव द ड्राॅंग विच ऑकर्स ऑन द पाथ ऑफ द टर्टल पी कमांड से आप उस ड्राइंग को रिमूव कर सकते हैं जो टर्टल के पाथ में ऑकर होती है सीएस सीएस और क्लियर स्क्रीन मैक्स द स्क्रीन क्लियर सीएस या क्लियर स्क्रीन कमांड से स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन क्लियर हो जाती है होम

को कंप्यूटर पर ओपन करते हैं तब टर्टल ड्राइंग एरिया में अपेयर होता है टाइप होम एच ओ एम ई होम बिफोर द लोगो प्रॉम्स एंड प्रेस द एंटर की लोगो प्रमोट्स होने के पहले होम टाइप करें और एंटर प्रेस करें नाव बाय मूविंग दिस टर्टल वी कैन ड्रॉ द फिगर्स ऑन द स्क्रीन एनी टाइम वी कैन यूज़ एच ओ एम ई होम टू रीसेट द टर्टल ऑन द होम पोजिशन रिमेंबर अ लाइन अपेयर्स ऑन द पाथ ऑफ द टर्टल मूवमेंट अब इस टर्टल को मूव करके आप स्क्रीन पर फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं कभी भी हम होम यूज़ करके टर्टल को होम पोजिशन पर रेस्ट कर सकते हैं सॉरी स्टूडेंट रिसेट कर सकते हैं याद रखें टर्टल के मूवमेंट के बाद में एक लाइन अपेयर होती है एफ डी एफ डी कमांड मूव द टर्टल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हाउ स्टेप्स वी टू मूव फॉरवर्ड इज ऑल्सो गिवन विथ द एफ डी कमांड टाइप एफ डी ट्वेंटी टू मेक द टर्टल मूव ट्वेंटी स्टेप्स फॉरवर्ड एफ़ डी कमांड से टर्टल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं कितनी स्टेप्स हमें फॉरवर्ड या आगे मूव करना है ये भी एफ डी कमांड के साथ टाइप करें एफ डी ट्वेंटी टाइप करें टर्टल को ट्वेंटी स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने के लिए bk बी के कमांड मूव्स द टर्टल इन रिवर्स डायरेक्शन हाउ मैनी स्टेप्स वी वॉन्ट टू मूव

टर्टल को बैकवर्ड मूव कराने के लिए ओके पेज टर्न करो पेज नंबर सेवेंटी थ्री पर देखिए कमांड टर्न द टर्टल इन द राइट डायरेक्शन एट एनी गिवन एंगल। हाउ मैनी डिग्रीज यू वॉन्ट टू टर्न इट शुड बी द प्रिमेटिव राइट टाइप आर टी विथ एंगल टू टर्न लाइक नाइंटी फोर नाइन हंड्रेड एंड प्रेस द एंटर की आर टी कमांड से टर्टल को राइट डायरेक्शन में दिए गए एंगल पर टर्न कर सकते हैं कितनी डिग्रीज टर्न करना है ये भी राइट प्रिमेटिव एंगल के साथ और एंटर की प्रेस करें एल टी एल टी कमांड टर्न द टर्टल इन द लेफ्ट डायरेक्शन एट एनी गिवन एंगल हाउ मैनी डिग्रीज वी वॉन्ट टू टर्न इट शुड बी मैंशन विद द प्रिमेटिव एल ई एफ टी एल टी कमांड से टाइटल को लेफ्ट डायरेक्शन में दिए गए एंगल में लेफ्ट डायरेक्शन में दिए गए एंगल में टर्न कर सकते हैं कितनी डिग्रीज टर्न करना है ये भी लेफ्ट प्रिमेटिव के साथ मैंशन करें ओके टाइप एल टी विध एंगल टू टर्न लाइक नाइंटी नाइंटी फॉर नाइन हंड्रेड एंड प्रेस द एंटर की एल टी टाइप एंगल के साथ और एंटर की प्रेस करें एच टी एच टी हाइट द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन वैन बी ड्रॉ एनी फिगर वी वॉन्ट टू रिमूव द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन दिस कैन बी डन टेम्परली बायूजिंग द एच टी कमांड एच कमांड से टर्टल को स्क्रीन से हाइड कर सकते हैं जब हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं हम टर्टल को स्क्रीन से रिमूव करना चाहते हैं या एच कमांड का यूज़ करके टेम्परली हो सकता है एच टी इफ वी हैव हिडन द टर्टल एंड वॉन्ट इट टू रीअ ऑन द स्क्रीन टाइप एस टी एंड प्रेस द एंटर की द टर्टल विल अपेयर ऑन द स्क्रीन अगर आपने टर्टल को हाइट कर दिया है और स्क्रीन पर रिपेयर रीअपेयर करना चाहते हैं तो एस टी टाइप करें और एंटर की प्रेस करें टर्टल फिर से स्क्रीन पर अपेयर हो जाएगा सी एस सी एस रिमूव द फिगर draw on the screen if we have made any figure on the screen and want to remove it to draw another we can use the cs command to make the screen clear cs command se screen pe jo figure draw hua hai उसे रिमूव कर सकते हैं अगर आपके स्क्रीन पर कोई भी फिगर बना है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं दूसरा फिगर बनाने के लिए तो आप 'cs कमांड का यूज़ करके स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट आज हम यहीं तक का रीड करेंगे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे